हेलो दोस्तों, और बताओ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम आज भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, जब हमारा 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसमें कितने पार्ट्स थे? लेकिन मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि आप जानते हैं कि आज के समय एट प्रेजेंट कितने पार्ट्स हैं हमारे संविधान में, कितने आर्टिकल्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं? तो दोस्तों, इस 2 मिनट की वीडियो में हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे बहुत ही स्पीड में और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत में देखते हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब इसमें टोटल 22 पार्ट हैं, आर्टिकल की संख्या 395 थी यानी 395, और स्केड्यूल 8 थे। लेकिन दोस्तों, बीच में इन 70 सालों में क्या क्या हुआ हम वो देखते हैं। तो दोस्तों, इन 70 सालों में ये हुआ, हमारा जो पार्ट सेवन है वो हमारा रिमूव कर दिया गया। फिर बात आती है, हमारा पार्ट सेवन को हटा के हमने पार्ट फोर ए को ऐड करा, पार्ट नाइन ए को ऐड करा, पार्ट नाइन बी को ऐड करा और पार्ट 14 ए को ऐड करा। तो दोस्तों, पहले हमारे पास 22 पार्ट थे, उसमें से एक पार्ट हमारा हटा दिया, यानी कि हमारे बचे 21 पार्ट। अब 21 पार्ट में हमने इन चारों पार्ट को ऐड कर दिया तो हमारा हो गया 25 पार्ट्स टोटल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दोस्तों, एट प्रेजेंट हमारे 25 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब दोस्तों, बात आती है आर्टिकल्स की। तो दोस्तों, इन 70 सालों में हमारे बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं और इन अमेंडमेंट की वजह से हमारे आर्टिकल की संख्या 395 से बढ़कर 448 हो गई है, और हमारे शेड्यूल की संख्या जो कि 8 थी अब वो 12 हो गई है। तो दोस्तों, ये हमारी एक जानकारी थी, मोटी मोटी जानकारी थी हमारे भारतीय संविधान के बारे में। ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आप लोग को मालूम होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज और बताओ को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। थैंक यू।